अगर आप भी अपनी लटकती हुई तौंद से परेशान हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए वेट से दुखी हो चुके हैं, जिसके कारण आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो आज मैं नुस्खा लेके आई हूँ 15 से 20 दिन में आपकी लटकती हुई तौंद को बिल्कुल फ्लैट कर देगा और जो वेट आपका इतना बढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 15 से 20 दिन में ही आप 5 kg वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी बिना डाइटिंग किए। ये घर में आजमाया हुआ नुस्खा दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए आज मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, गैस एसिडिटी बननी बिल्कुल बंद हो जाएगी और जो कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचन शाला में और किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये ली है मैंने सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। जो सौंफ होती है फाइबर से भरपूर होती है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है और जब हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, जो पाचन तंत्र है वो सुधर जाएगा, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा, तो हमारे शरीर में खून की कमी अपने आप ही नहीं रहेगी और जो गैस वगैरह बनती है वो सब खत्म हो जाएगी। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां हमारे पाचन तंत्र से ही जुड़ी होती हैं दोस्तों। अगर जो हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाएंगी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और ना कब्ज होगी, हमारे शरीर में जो खाया पिया है वो लगेगा तो शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। ये जो सौंफ होती है ये डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है और उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है वो सब अपने आप ही सोल्व हो जाती है। आपने कितनी सौंफ लेनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये अगली चीज ली है दोस्तों मैंने जीरा। आज के इस नुस्खे में जो भी मैं चीज ले रही हूँ वो सब हमारे किचन में ही होती हैं, अलग से खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जीरा हमारे किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है, जब भी खाना बनाते हैं तो जीरा ही सबसे पहले डालते हैं। ये जो जीरा है दोस्तों ये वेट लॉस करने का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, हमारे फैट को बिना डाइटिंग किए ही 15-20 दिन में ये खत्म कर देता है। इसका यूज कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जब भी यूज करेंगे तब बताऊंगी। और ये अगली चीज ली है दोस्तों मैंने अजवाइन। अजवाइन भी हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है। आपने देखा होगा दोस्तों जब भी हम कुछ तलने वाली चीज बनाते हैं, जैसे पूरी बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, जो गैस बनाती है, तो उसके आटे में हम पहले ही अजवाइन डाल देते हैं ताकि गैस एसिडिटी ना बने और वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो ये जो अजवाइन होती है डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर देती है और जो हम खाते पीते हैं अगर वो हजम हो जाता है तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और साथ ही कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये तीनों चीजें हमने लेनी कितनी मात्रा में। एक पतीला ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 गिलास पानी। ये मैं एक मेंबर के लिए बना रही हूँ दोस्तों, अगर आप दो के लिए बनाते हैं तो 3 से 4 गिलास पानी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच ही सौंफ डालेंगे और 1/2 चम्मच ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से उबाल लेना है। उबाल आने के बाद भी 2-3 मिनट हम इसे उबलने देंगे, अच्छे से पकने देंगे ताकि इनका जो रस है, अर्क है, वो इस पानी में अच्छे से आ जाए। आपने रेसो देख ली होगी, 1.5 गिलास में हमने 1/2 चम्मच डाली है। अगर आप 3 गिलास पानी लो तो आपने 1-1 चम्मच तीनों चीजों की डालनी है। आपने रेसो यही रखनी है दोस्तों। ये रेमेडी कहिए आप या नुस्खा कहिए, हम हमारे घर में लगभग 6 महीने से यूज कर रहे हैं। 20 दिन यूज करते हैं, फिर 10-20 दिन बीच में बंद कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से लेते हैं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है और जो बड़ी बड़ी तौंद हो गई थी, लटक रही थी, वो सब भी ठीक हो गई है। बिना डाइटिंग के ही ये 1 मंथ में आपका 5 kg वेट लॉस कर देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये नुस्खा बनाने का काम आपने रात को सोते टाइम करना है। रात को सोते टाइम आप इसे उबाल के इस तरह तैयार करके छोड़ दीजिए। ये देखिए पानी हमारा 2-3 मिनट उबल चुका है, तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ढक के हम छोड़ देंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का मिलेगा। आपने इसे थोड़ा गर्म करना है, जितना गर्म आप पीस को उतना गर्म करना है और उसके बाद इसको छान लीजिए। सबसे पहले कुरला करने के बाद खाली पेट आपने ये पानी पीना है।
इससे पहले आपने कोई चाय वगैरह नहीं पीनी, ना नॉर्मल पानी पीना, ये पानी पीना है। और ये तरीका आपको 20 दिन जरूर करना है। इसे फैट लॉस स्टार्टर कहते हैं दोस्तों। आप इसे 20 दिन जरूर यूज करके देखना, आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और जो पूरे दिन गैस बनी रहती थी, डकार मारते रहते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल नुस्खा है और घर में यूज किया हुआ नुस्खा है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इस नुस्खे को यूज करके जरूर देखना दोस्तों, और जब आपको इससे फायदा हो तब वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और यूजफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।